अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं पेल्विस एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर है 482 और इस पूरे क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर को। तो यूरिनरी ब्लैडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इन योर पेल्विस। तो हम पहले इससे रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो रफ़ीउल्लाह में नहीं लिखे हुए, उसके बाद हम रफ़ीउल्लाह के सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो यूरिनरी ब्लैडर से पूछे जाने वाले सवालात। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? 400 से 500 ml तक यूरिन जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर होल्ड कर सकता है। इट इज़ अराउंड 2 कप, ठीक है, 2 कप ऑफ वाटर विच इज़ 500 ml। तो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी है 400 से 500 ml तक की। एपिथीलियम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ठीक है। एपिथीलियम का क्वेश्चन तो बहुत दफ़ा पूछा गया है। ओके, व्हेन यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड इट एक्सटेंड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी अप टू द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है। आपका जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है और इसकी मैक्सिमम आर्ज होती है कि 3 आवर्स तक जो है यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को होल्ड कर सकता है, लेकिन 3 आवर्स तक अगर ये मैक्सिमम फिल हो जाता है तो ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ज़िफॉइड प्रोसेस तक ये एक्सटेंड कर सकता है, ठीक हो गया। तो अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है। इसकी बेस ऊपर की तरफ है, एपेक्स नीचे यूरेथ्रा की तरफ है। यू कैन सी द बेस एंड द एपेक्स। तो फिर अगर हम बात करें पेरिटोनियल कवरिंग की, तो पेरिटोनियम यूरिनरी ब्लैडर को पोस्टीरियो सुपीरियर सरफेस पर कवर करती है, ठीक है। कौन कौन सी सरफेस पे? सुपीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेसेस पे। इन्फीरियर और लैटरल सरफेसेस जो हैं ब्लैडर की वो डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम है, यानी कि यहाँ पर पेरिटोनियम नहीं है, सिर्फ पोस्टीरियो सुपीरियर सरफेस पर ही पेरिटोनियम है। फिर अगर हम बात करें ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की, तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और ये कंसिस्ट करता है 2 ओरिफाइसेस फॉर द एंट्री ऑफ यूरेटर। यानी कि ट्राइगोन की सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे दोनों यूरेटर एंटर होते हैं इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब अगर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की बात की जाए तो वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में सबसे अंदर होती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम, उसके बाद आती है लैमिना प्रोप्रिया एंड सब म्यूकोजा, और सबसे बाहर होता है डेट्रूसर मसल इज़ द मेन मसल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट भी करवाता है और यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स भी कराता है अंडर द एक्शन ऑफ सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं रफ़ी के पास पेपर्स। सो प्लीज़ फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 462। द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेज्ड बाय इट्स पोस्टीरियर सरफेस, यानी यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस उसकी बेस बनाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नोट दैट द सुपीरियर एंड द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर आर कवर्ड विद द पेरिटोनियम। मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हैज़ पेरिटोनियम, वाइल इन्फीरियर लैटरल सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। यानी कि इन्फीरियर और लैटरल सरफेसिस पे पेरिटोनियम नहीं होती, सुपीरियरली और पोस्टीरियरली पेरिटोनियम इज प्रेजेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब आप पॉइंट नंबर 3 पर फोकस करें प्लीज़। पॉइंट नंबर 3 कहता है यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय डेनोवेलर्स फेशिया विच इज़ आल्सो कॉल्ड रेक्टोप्रोस्टेटिक फेशिया, सही है। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ ताकि आपको याद रहने में आसानी हो। आप यहाँ पे ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन प्रोस्टेट और रेक्टम को सेपरेट कर रही है, एंड दिस ग्रीन लाइन इज़ कॉल्ड डेनोवेलर्स फेशिया या रेक्टोप्रोस्टेटिक फेशिया। सो रेक्टोप्रोस्टेटिक फेशिया सेपरेट द यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट फ्रॉम द रेक्टम, सही हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं नर्व सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की। तो ब्लैडर को सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम भी सप्लाई करता है और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम भी सप्लाई करता है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो इसको है वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से सप्लाई करता है। क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई दे देती है कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सी रूट वैल्यू से होता है, तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर की रूट वैल्यू है T1 से लेके L2, और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूसर मसल जिसकी वजह से होती है यूरिनरी रिटेंशन, सही है। पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम
पेल्विक स्प्लांचिक नर्व्स के थ्रू सप्लाई करता है। S2 से लेके S4 तक इसकी रूट वैल्यू होती है। ये कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल, जिसके नतीजे में होती है मैच्योरेशन। सही हो गया। देन बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्लेडर की। तो ब्लेडर को ब्लड सप्लाई कौन करता है? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेसिकल आर्टरीज, जो कि ब्रांचेस होती हैं इंटरनल आइलियक आर्टरीज की। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेसिकुलर आर्टरीज या वेसिकल आर्टरीज सप्लाइंग द यूरिनरी ब्लेडर। अब बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो लिम्फ नोड जो हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स जो हैं वो ड्रेन करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। अब बात करते हैं कुछ पास पेपर के पॉइंट्स की। हमने ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि क्वेश्चन पास पेपर में आते किस तरीके से हैं। तो काइंडली प्लीज़ फोकस हेयर। तो यहाँ पे आप फोकस करें, नीचे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर का सिंपथेटिक सप्लाई सुपीरियर इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लैंचिक से होता है, और पैरासिंपथेटिक सप्लाई पेल्विक स्प्लैंचिक नर्व्स के थ्रू होता है। तो ठीक है, आपने याद रखना है कि सिंपथेटिक सप्लाई सुपीरियर एंड इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से, और पैरासिंपथेटिक सप्लाई जो है वो पेल्विक स्प्लैंचिक नर्व्स के थ्रू होता है। इट ऑल्सो कम एज पैरासिंपथेटिक नर्व सप्लाई किसकी वजह से होती है? पेल्विक स्प्लैंचिक नर्व्स की वजह से होती है। यूरिनरी ब्लैडर इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय डेनोवेलर्स फेशिया। पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर इज डेनोवेलर्स फेशिया। रिमेंबर इट कैन ऑल्सो कम एज यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट इज सेपरेटेड फ्रॉम रेक्टम बाय डेनोवेलर्स फेशिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टोप्रोस्टेटिक फेशिया। यूरिनरी ब्लैडर इन्फीरियर लेटरल सरफेस इज नॉट कवर विद पेरिटोनियम। ट्रू अबाउट यूरिनरी ब्लैडर, सिंपथेटिक प्लस पैरासिंपथेटिक नर्वस सप्लाई होती है। यूरोरेक्टल सेप्टम, यूरोरेक्टल सेप्टम सेपरेट्स करता है रेक्टम को और यूरोजेनाइटल साइनस को। फिर नेक्स्ट पेज पे है पेज नंबर 265, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर किसकी वजह से होता है? इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड की वजह से। तो होपफुली ब्लैडर का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमने बहुत सारे MCQs इसमें कवर किए हैं, अदर देन रफ्यूला भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। तो होपफुली इट इज़ हेल्पफुल टू यू। वीडियो अंडरस्टैंड करते हैं, याद रखने में आसानी होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।